मेरी पीरी दे मालक साहब श्री हरगोबिंद साहब जी के गुरता गद्दे दिवस मौके अज संगत सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए पहुंचिया ने। उत्थे ही गुरु घर के दर्शन दीदार करन उपरंत संगत वालों सरबत के भले की अरदास भी की गई है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों गुरु घर दियां आईयां संगतां नूं इस पावन दिहाड़ी की वधाई दी गई। तो इस मौके प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि अज गुरु घर के जलौ साहब भी सजाए जाएंगे और रात की दीपमाला से आतिशबाजी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरु घर में आने वाली संगतों के लिए श्रोमणी कमेटी वालों पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो उत्थे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों भी अकाल तख्त साहब तो संबोधन करते हुए संगतों नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के गुरता गद्दी दिवस की वधाई दी गई। तो उन्होंने आख्या कि सानू गुरु जी के दर्शाए मार्ग से चलना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने त्रुट करके कृपा करके बख्शिश करके साहब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने गुरता बख्शिश की अज दे दिन। सो सारी समुची संगत गुरु नानक नाम लेवा माई भाई सारियां नूं बहुत बहुत बधाई। गुरु साहब कृपा करन सतगुरु जी ने गुरता ते विराजमान हो के वो सानू पवित्र सिद्धांत बख्शिश किया श्री अकाल तख्त साहब की रचना की। जिस ताकत नूं बहुत बड़ियां चुनौतियां समें दियां सरकारां दिंदियां रहियां पर सतगुरु जी ने इस अकाल तख्त सिखां नूं आदेश किया सी कि कीमती शास्त्र ते कीमती घोड़े अत्यादिक आ के इस श्री अकाल तख्त साहब ते सतगुरु जी के सन्मुख पेश किए जाते। सो सतगुरु जी गुरता गद्दी ते विराजमान होने तो बाद पंजम पातशाह की शहीदी लाहौर विखे हुई। उस वेले दे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी तिना ने साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं दो तलवारां मीरी ते पीरी दियां वो पहना के गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने फिर ये मीरी पीरी का सिद्धांत सतगुरु जी ने बख्श किया। और सतगुरु जी ने जिन्हें भी युद्धां लड़िया गुरु पातशाह ने अकाल पुरख ने उन्हां नूं फतेह बख्शिश की। सो अज उन्हां दा आपां गुरता दिवस जिहड़ा आ वो अज मना रहे हैं। समुची संगत नूं बहुत बहुत बधाई भी दिना कामना भी करदा कि सतगुरु जी ने जबर नूं सबर नाल गुरु पंजम पातशाह जी ने अपनी शहादत बख्शिश की। तो सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिथे श्री अकाल तख्त साहब की रचना की उत्थे सिख नूं आदेश भी किया कि तू इस पवित्र सिद्धांत मीरी पीरी के सिद्धांत नाल जुड़ के लोक ते परलोक सहेले करने आ पवित्र गुरबाणी तो सेध लैनी आ। ते गुरु पातशाह जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु दसम पातशाह जी ने मेरा जिहड़ी आत्मा वो गुरु ग्रंथ दे विच ते मेरा शरीर गुरु पंथ दे विच इस पवित्र सिद्धांतों से पहरा देने का यतन करिए। वाहेगुरु जी का खालसा। ये जदों सतगुरु जी दे गुरता दिवस ज प्रकाश दिहाड़े होंगे उदों ये सजाए जाते हैं। सो ये अज भी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलटकै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वढ जोधा बहु पर उपकारी ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन मीरी अते पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां नूं अज दे दिन श्री कोठा साहिब जी विखे धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज गुरता गद्दी दा तिलक दे करके पंज पैसे नारियल रख के सतगुरां ने परिक्रमा कीतियां। धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी कोलों गुरता गद्दी दे तिलक दी मर्यादा निभा करके अज दे दिहाड़े सच्चे पातशाह जी लाहौर नूं शहादत देण वास्ते चाला पा दिता सी। समूह संगतां नूं मीरी पीरी दे मालक
श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरता गद्दी गुरपुरब दियां बेअंत बेअंत वधाइयां होण। नाल ही अज तो एक सिद्धांत नवा कायम होया सी जो गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने लाहौर तो पंजा सिखां दे राही हुक्म दे के भजिया सी कि जिथे भगती करनी है उत्थे अज तो नाल शक्ति भी जोड़नी है, भाव के शस्त्रधारी हो करके रहना, ये नहीं कि तुहाडी माला ही खो करके कोई लै जाए तुसीं कुछ ना कर सको। बंदगी करनी है अपनी स्वय रख्या वास्ते शस्त्रधारी भी होना है। एक बार समूह संगतां नूं छेवें पातशाह जी दे गुरता गद्दी गुरपुरब दियां बेअंत बेअंत वधाइयां होण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।